क्या आप जानते हैं कि नए ऑल प्रोग्राम ड्रॉ में ITA का CRS स्कोर कम हो गया है। IRCC ने 18 महीने के अंदर लगातार दूसरा ऑल प्रोग्राम ड्रॉ निकाला है। कनाडा ने 20 जुलाई को परमानेंट रेजिडेंस के अप्लाई करने के लिए 1750 एक्सप्रेस एंट्री उम्मीदवारों को इनवाइट किया। 2022 में कनाडा एक्सप्रेस एंट्री के जरिए 55,900 इमिग्रेंट्स का स्वागत करने की राह पर है। फिर 2024 तक लक्ष्य बढ़कर 1,11,500 हो जाएगा। पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ब्रेन ड्रेन कंसल्टेंट्स की ओर से हमारे इमिग्रेशन इन्फॉर्मेशन और न्यूज़ चैनल A to Z इमिग्रेशन अपडेट्स में आपका हार्दिक स्वागत है। इस ड्रॉ में उन कैंडिडेट्स को इनवाइट किया गया था जिनके पास कम से कम 542 का कॉम्प्रहेंसिव रैंकिंग सिस्टम CRS स्कोर था। चूंकि इस ड्रॉ के लिए कोई कार्यक्रम नहीं बताया गया था, इसलिए कनेडियन एक्सपीरियंस क्लास CEC या फेडरल स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम FSWP के उम्मीदवारों को इसमें इनवाइट किया जा सकता था। नए ड्रॉ के लिए CRS की आवश्यकता 6 जुलाई के पिछले ऑल प्रोग्राम ड्रॉ के मिनिमम कट ऑफ स्कोर से 15 अंक कम है, जो कि 557 थी। इसके अलावा कनाडा ने पिछले 1500 के राउंड की तुलना में इस राउंड में 250 से ज्यादा इन्विटेशंस जारी किए हैं। 18 महीने की देरी के बाद भी IRCC ने सिर्फ कनेडियन एक्सपीरियंस क्लास CEC या प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम PNP के जरिए ही इमिग्रेशन के लिए एलिजिबल कैंडिडेट्स के इन्विटेशन जारी किए थे। ऑल प्रोग्राम एक्सप्रेस एंट्री ड्रॉ में IRCC एक्सप्रेस एंट्री पूल में सभी उम्मीदवारों के CRS पर विचार करता है, चाहे वे किसी भी प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हों। महामारी से पहले ज्यादातर एक्सप्रेस एंट्री ड्रॉ प्रोग्राम स्पेसिफिक नहीं थे, जिसका मतलब है कि किसी भी एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम के लिए एलिजिबल कैंडिडेट्स को मिनिमम CRS मिलने पर इनविटेशन टू अप्लाई ITA पाने का मौका मिलता था। जनवरी और सितंबर 2021 के बीच IRCC ने हर 2 हफ्ते में PNP और CEC ड्रॉ आयोजित किए। 21 सितंबर 2021 के बाद IRCC ने CEC कैंडिडेट्स को इनवाइट करना बंद कर दिया था, क्योंकि एप्लीकेशन प्रोसेसिंग का अंदाजन समय 6 महीने के स्टैंडर्ड समय से भी ज्यादा का हो गया था। हालांकि IRCC ऑल प्रोग्राम ड्रॉज आयोजित करने के लिए वापस आ गया है, एक्सप्रेस एंट्री सिस्टम में और बदलाव आने वाले हैं। हाल ही में बदलावों के नाम के पास बिल C-19 के 2023 की शुरुआत में लागू होने की उम्मीद है। एक बार बिल लागू होने के बाद IRCC टारगेटेड ड्रॉ आयोजित करने में सक्षम होगा, जो एक इकोनॉमिक गोल के आधार पर एक्सप्रेस एंट्री कैंडिडेट्स को अप्लाई करने के लिए इनवाइट करता है। कैंडिडेट्स को उनके ऑक्यूपेशन, एजुकेशनल क्रेडेंशियल, लैंग्वेज एबिलिटी या लेबर मार्केट की जरूरतों की कंपैटिबिलिटी जैसे अन्य फैक्टर्स के आधार पर इनवाइट किया जा सकता है। हमें उम्मीद है कि हिंदी भाषा में इमिग्रेशन से जुड़ी जरूरी और सही जानकारी पहुंचाने की हमारी कोशिश आपको पसंद आ रही होगी। कृपया कमेंट में अपने सजेशंस और फीडबैक्स जरूर दें और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। एक और वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। अगर आपको किसी और मदद की जरूरत है या फिर आप अपने विदेश जाने के सपने के लिए किसी भी चीज में पूछताछ करना चाहते हैं, तो आप हमारी रजिस्टर्ड माइग्रेशन कंसल्टेंट्स की टीम के साथ एक एक्सपर्ट काउंसलिंग सेशन बुक कर सकते हैं।